1989 में मेरी उम्र 21 साल थी। मैं रहता था दहिसर में और नाला सुपारा हम लोग आग भी गए थे रहने, लेकिन ज़्यादातर समय दहिसर में बिताता था। तो हमारी दहिसर से हमारी पूरी एक टीम दहिसर बोरीवली कांदीवली से, उस टाइम के खेतवाड़ी के विधायक थे प्रेम कुमार शर्मा जी। प्रेम कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों को यहाँ से रवाना किया गया ट्रेन से, स्लीपर में। बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। अयोध्या हम लोग गए थे, अयोध्या में हम लोग गए तो वहाँ पर एक मैदान में हमारे लिए टेंट का इंतजाम किया गया था। एक टेंट में 10 लोग 12 लोग जितने लोग थे, सबकी दोस्ती यारी जिससे हो रही थी आपस में, टेंट में रखा गया। हमारे कपड़े उपड़े सब उसी में रखे गए थे। उस ज़माने में मेरे ख्याल से 130 या 135 रुपया टिकट रहा होगा यहाँ से फैज़ाबाद का बाई ट्रेन। तो और गोरखपुर एक्सप्रेस पकड़ के गए हम लोग, गए थे गोरखपुर एक्सप्रेस पकड़ के फैज़ाबाद। तो घर से 500-700 रुपया मेरे पास था और मेरे नाला दहिसर के दोस्त थे, एक मराठी लड़का था और एक गुजराती लड़के थे। तो तीन लोग हम लोग बड़े अच्छे दोस्त थे। तो सवेरे सवेरे वहाँ से हम लोग ने नाश्ता वास्ता करने के लिए बाज़ार में निकले थे, अयोध्या घूमने के लिए अयोध्या में निकले थे। इतने में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन फायरिंग वगैरह जैसे हो गई थी, घटना भगदड़ हो गई थी और पुलिस चारों बाजू लाठीचार्ज कर रही थी, सबको पकड़ पकड़ के मार रही थी। उसमें कार सेवकों के अलावा मैंने ये भी देखा कि वहाँ के जो लोकल थे दुकानदार, जो रोड पे धंधा लगा रहे थे, कोई नारियल बेच रहा था, कोई पानीपुरी बेच रहा था, उनको भी मारा गया था बड़े तगड़े से। तो बगल में ही एक होटल था, गंदा सा मैला सा, मेरे को लगता नहीं कि उसकी जो फर्श है लादी वो करीबन 10-12 साल से धोई गई हो। मुझे आज भी याद है उस पर इतने बड़े बड़े काले काले मट्टी जम गए थे, एकदम से परत जम गई थी। हम लोग उसी में घुस गए थे और शटर को बंद कर दिया गया। तो 3 दिन तक जितने पानी थे, क्योंकि वो पानी हम लोगों ने पिया, जलेबी के टुकड़े थे और जलेबी की जो चाशनी जो जमी हुई रहती थी वो, और जो होटल के अंदर जो सवेरे सवेरे जितना सामान बना था और उनके स्टाफ थे 8-10 लोग, हम लोग वही मिलके खा करके 3 दिन रहे। 3 दिन बाद शटर खुला, धीरे से देखा गया कि माहौल शांत है। तो हमारे पास तो पैसे थे नहीं हैं और हमारी भी हिम्मत भी नहीं हुई कि हम लोग जहाँ पर तंबू लगे हैं, क्योंकि बाज़ार में बातचीत चल रही है, गोलियाँ चली है, काफ़ी लोग मारे गए हैं, काफ़ी लोग घायल हैं, काफ़ी लोगों का हाथ पैर टूटा है। वहाँ पर बगल में एक सोनार था, वहाँ सोनार को जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम लोग बम्बई से आए हैं, हमारे बैग सब चले गए हैं, अगर आप हमको 100 रुपया दोगे तो मैं बॉम्बे जा करके आपको मनी ऑर्डर दूंगा। तो सोनार ने कहा आप बॉम्बे चले जाओ, मनी ऑर्डर करने की भी ज़रूरत नहीं है, उस ज़माने में मनी ऑर्डर चलता था। फिर वहाँ से हम लोगों ने 100 रुपया ले करके बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड से गए गोरखपुर गया। गोरखपुर से जाने के बाद मैं मेरे ननिहाल में लगभग 1-1.5 महीना रहा, चूँकि वहाँ कपड़े उपड़े थे नहीं, अंडरवेयर चप्पल जूते कुछ नहीं थे। तो मेरे नाना नानी लोगों ने हमारे 3 लोगों के लिए कपड़े अंडरवेयर जूता मोजा बैग शर्ट पैंट, तभी के ज़माने में रेडीमेड का ज़माना भी नहीं था तो डीलर के पास जाके सिलाया करते थे शर्ट पैंट, तो शर्ट पैंट वगैरह सिलाए। 1.5-2 महीना थे, लेकिन दहिसर में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता विधायक या बड़ा पदाधिकारी हमारे घर पर पूछने नहीं आया कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भाई जिंदा हैं कि मर गए हैं और उनका क्या हुआ जो कार सेवा के लिए गए थे। उस टाइम पे कार सेवा के अंदर 3 ही लोगों का मेन थे, एक थे अशोक सिंघल जी जो विश्व हिंदू परिषद के थे, और जिस समय पे भगदड़ मची और ये जो गोलियां चली तो उनको पुल पे ब्रिज पे ही अयोध्या में सरजू के ब्रिज पे ही उनको अरेस्ट किया गया था। दूसरे थे विनय कटियार जो बजरंग दल के थे, जिन्होंने काफ़ी जोश में ये सब काम किया था। और तीसरे थे प्रवीण तोगड़िया जी, और अडवाणी जी की रथ उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव ने पटना में हाउस अरेस्ट उनको अरेस्ट कर दिया था। लाल कृष्ण अडवाणी की जो रथ यात्रा थी उसको हाउस अरेस्ट पटना में ही कर दिया गया था। तो मेरा कहने का मतलब है आज जो ये जो मंदिर बन रहा है, बीजेपी इसको अपने वोट के लिए इसको कैश करना चाहती है। ओरिजिनली जो लोग ने काम किया है उनका नाम कहाँ है, उनको कहाँ कोई पूछा जा रहा है, उनके घर वाले जो मर गए हैं उनके घर वाले की स्थिति क्या है। ये आज के तारीख में वोटों की राजनीति है। राम बीजेपी के आने से पहले भी हमारे देव थे,
बीजेपी के जाने के बाद भी हमारे देव रहेंगे। रामायण हम लोगों के घर में पढ़ा जाता है, रामचरितमानस हर हिंदू के घर में होता है, और राम की ब्रांडिंग बीजेपी जो अपने वोट के लिए कर रही है सरासर गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा, कि राम कृष्ण भोलेनाथ गणेश जितने भी हमारे हिंदू धर्म के भगवान देवी देवता हों, एक ऐसा ऑर्डिनेंस या एक ऐसा नियम पास होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी भगवान का, किसी भी सिद्ध पुरुष का, किसी भी देव पुरुष का इस्तेमाल अपने वोट के फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए फ़ायदे के लिए ना इस्तेमाल करें। देश के चारों शंकराचार्यों को मैं प्रणाम और नमन करता हूँ। जिस तरीके से हिंदुस्तान के न्यायालय में उच्च व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, देश का राष्ट्रपति होता है, गवर्नर होता है एक राज्य में, उसी तरीके से सनातन धर्म का जो ठेका और सनातन धर्म को चलाने के लिए ही ये शंकराचार्य की गद्दी और पीठ बनी है। अगर उन लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं तो उसमें वास्तविकता में अगर देखा जाएगा तो कुछ धार्मिक और सारी चीज़ों का ये होगा। शंकराचार्य का विरोध होने के बाद में तो इसको शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य हैं इनके साथ बैठ करके मिल करके विचार विमर्श करके तिथि, हम लोग का जो हिंदू धर्म है ये तिथि के हिसाब से चलती है। ये पौष का महीना चल रहा है, पौष के महीने में भी जो उद्घाटन राम मंदिर का किया जा रहा है, ये साफ पता चल रहा है कि इन्हें न देश की अर्थव्यवस्था से, न देश के हिंदुओं से, न तो देश के शंकराचार्यों से। बीजेपी पार्टी 1980 और 80 के करीब ये बनी है, बीजेपी पार्टी काफ़ी जुनी नहीं, लेकिन शंकराचार्य की जो गद्दी है ये आदिकाल से चला आया है हिंदुस्तान में। ये इनको हम लोग, हमारा हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ, द फाइनल अथॉरिटी मानते हैं सनातन धर्म का। इनकी बातों को नज़रअंदाज इनको नहीं करना चाहिए, उनको भी बैठा करके कॉन्फिडेंस में ले करके तिथि, हर चीज़ का मुहूर्त, हर चीज़ का जो कौन सा महीना चल रहा है, इस महीने में ब्याह होता है, शादी होता है, मुहूर्त होता है, वास्तु होता है कि नहीं, ये सारा चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये सारा जो चीज़ हो रहा है मई का इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा है।